नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। हलवा योर स्टाइल अखरोट का हलवा जब भी हम घर पे बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, पर आज मैं आपके साथ में सीक्रेट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने ये रेसिपी को जैसे मैंने सिखाया वैसे बनाया तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल अखरोट का हलवा आप घर पे आसानी से तैयार कर पाएंगे। तो चलिए हलवाई स्टाइल अखरोट का हलवा बनाना शुरू करते हैं। अखरोट में से हलवा बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक बोल ले लेती हूँ। हमें एक मिश्रण तैयार करना है, वो तैयार कर लेते हैं। उसके अंदर मैं एक कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने एक कप मिल्क पाउडर लिया है। इसमें मैं 100 ml दूध डाल रही हूँ और अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हलवा बनाने से पहले इस प्रकार की पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। ये हलवा जो बिल्कुल हलवाइयों के पास मिलता है, बिल्कुल वैसा ही हलवा तैयार होता है। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब मैं हलवा बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई के अंदर मैं 1/4 कप घी डाल रही हूँ। जो 50 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1/4 कप घी लिया है। इसे मैं गर्म करने के लिए रख रही हूँ। हलवे के अंदर हम थोड़ा घी का नाप ज़्यादा रखेंगे जिससे हलवा बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। मैंने 1.5 कप अखरोट का चूरा लिया है। अखरोट को मैंने चिली कटर में क्रश कर लिया है, इसीलिए ये इस प्रकार से दानेदार तैयार हुआ है। हलवे के अंदर इस प्रकार से दानेदार अगर अखरोट का चूरा होगा तो हलवे का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इसे मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। 1 कप काजू का चूरा, काजू को भी मैंने चिली कटर में क्रश कर लिया है। अगर आपके पास चिली कटर नहीं है तो आप इसको मिक्सी में भी चर्न कर सकते हैं, पर मिक्सी में आप इसे पल्स मोड पे पीसिए जिससे अखरोट में जो ऑयल होगा वो रिलीज नहीं होगा और अखरोट का चूरा आपको ऐसे ड्राई मिलेगा। अब मैं इसे सेक लेती हूँ। आप जब भी कोई भी अखरोट में से रेसिपी बनाएं तभी हमेशा उसमें थोड़ा काजू का पाउडर ऐड कीजिए, इससे रेसिपी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। मुझे इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा है तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून घी और ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसे मैं सेक लेती हूँ। हमें इसे धीमी आंच के ऊपर ही सेकना है। सारा मिश्रण अच्छे से सेक चुका है और हल्का गुलाबी रंग भी आ चुका है। अभी हमने जो मिल्क पाउडर और दूध का जो घोल तैयार किया था वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया और तभी मेरे घर पे कोई आया तो मैं दरवाज़ा खोलने गई। इतनी देर में ही ये मिल्क पाउडर यहाँ पे स्टिक हो गया है। आप जब भी मिल्क पाउडर को डालें तभी उसे कंटिन्यू स्टर करते रहिए तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और मैं हमेशा ये हलवा इसी प्रकार की जो कढ़ाई होती है मोटी वाली, इसी में बनाती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे नॉनस्टिक पैन में भी बना सकते हैं। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है और घी भी इसमें से रिलीज होने लगा है। अब मैं इसमें 1/2 कप शक्कर डाल रही हूँ। जो 100 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप शक्कर ली है। आप शक्कर का नाप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। जब भी आप हलवा बनाते हैं तभी इसमें से घी रिलीज होने लगे तभी आप इसमें शक्कर को ऐड कीजिए। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और शक्कर को पिघला लेंगे। हमारी सारी सामग्री रेडी हो चुकी है और हलवा भी बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों, ये बहुत ही टेम्प्टिंग और डिलीशियस हलवा तैयार हुआ है। आप जब भी कोई भी हलवा बनाएं तभी उसमें घी का नाप थोड़ा सा ज़्यादा रखें, इससे हलवा बहुत ही सॉफ्ट और जैसे बाहर मिलता है बिल्कुल वैसा तैयार होगा। हमारा हलवाइयों स्टाइल अखरोट का हलवा, जिसकी सीक्रेट रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करिए और इसी प्रकार की रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।